तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह से सेम साइज के दो कपड़े के पीसेस लिए हैं। लेंथ है इनकी 11 इंच और विड्थ है इनकी 10 इंच। और इसी साइज के मैंने दो लाइनिंग के कपड़े और दो रबड़ सीट लिए। रबड़ सीट की जगह आप फॉर्म सीट ले सकते हैं, बुकरम ले सकते हैं। अब सबसे पहले एक लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे, एक रबड़ सीट रखेंगे इस तरह सेंटर में, एक मैन फैब्रिक रखेंगे। अब हम इसमें सिलाइयाँ लगाकर इसे जोड़ लेंगे। तीनों कपड़ों में सिलाइयाँ लगा के इन्हें जोड़ लेंगे। फिर से एक लाइनिंग का कपड़ा लेंगे, रबड़ सीट लेंगे और इस कपड़े को इसके ऊपर रख के इसमें भी सिलाइयाँ लगाकर इसे जोड़ लेंगे। देखिए दोनों पीस हमने तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। और एक पीस लेंगे, देखिए एक कपड़ा और लेंगे। विड्थ है इसकी 10 इंच और लेंथ है इसकी 7.5 इंच। सबसे पहले इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह फोल्ड करेंगे और इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह उल्टा पलटेंगे, सिलाई वाली साइड नीचे की तरफ करेंगे इस तरह से। अब देखिए इसमें हम यहाँ से इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने यहाँ से इस तरह यहाँ तक सिलाई लगा ली है इसमें, ये देखिए एक बड़ी सी पॉकेट बन गई है इसमें। अब इसे एक साइड रखेंगे, इसे लेंगे। अब देखिए हम इसे यहाँ से यहाँ तक कट कर लेंगे। देखिए बॉर्डर नीचे से कट कर लेंगे इसे यहाँ तक। कट कर लिया हमने। अब इसी साइज की एक चैन लेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा हमने इसे जोड़ लिया है। इस वाले कपड़े को हम नीचे की तरफ करेंगे इस तरह और यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस किनारे किनारे पर हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब इसे लेंगे, इस तरह रखेंगे चैन के ऊपर इस तरह से और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे भी जोड़ लेंगे। देखिए इसमें भी हमने एक सीधी सिलाई लगा ली है यहाँ तक। अब इसे इस तरह करेंगे इस तरह से और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसमें भी हमने बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से पलटेंगे। अब इसी साइज का एक लाइनिंग का कपड़ा और लेंगे, इस तरह रखेंगे बराबर और चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ सिलाई लगा कर इसे जोड़ लेंगे। देखिए हमने इसके चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब इसे एक साइड रखेंगे। अब कपड़े के सेम साइज के दो पीसेस मैंने और लिए हैं। लेंथ है इसकी 18 इंच, विड्थ है इसकी 3.5 इंच। अब देखिए इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करते हुए इसमें पूरे में यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसे भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। देखिए हैंडल हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसे एक साइड रखेंगे, इसे लेंगे, इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। अब इस सेंटर के निशान से इस तरफ 2 इंच में निशान लगाएंगे, फिर सेंटर के निशान से इस तरफ भी 2 इंच में निशान लगाएंगे। इसे एक साइड रखेंगे, दूसरा पीस लेंगे, इसे भी सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर में एक निशान लगाएंगे, सेंटर के निशान से इस तरफ 2 इंच में निशान लगाएंगे। इसी तरह सेंटर के निशान से इस तरफ भी 2 इंच में निशान लगाएंगे। अब एक हैंडल लेंगे, इस तरह रखेंगे, दूसरा सिरा हम इस निशान पर रखेंगे और इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर हैंडल को जोड़ लेंगे। इसी तरह इसमें भी इस निशान पर हैंडल को रखेंगे, दूसरा सिरा इस पर रखेंगे और सिलाई लगाकर इसे भी जोड़ लेंगे। देखिए दोनों में हैंडल हमने जोड़ दिए हैं। अब इन्हें एक साइड रखेंगे। अब देखिए सेम साइज़ के दो कपड़े के पीसेस मैंने और तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले लाइनिंग का कपड़ा, रबड़ सीट, इसके ऊपर मैन फैब्रिक रख के चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे जोड़ लिया है। इसे भी इसी तरह तैयार कर लिया है। लेंथ है इसकी 11 इंच और विड्थ है इसकी 3.5 इंच। अब इसे लेंगे, एक पीस लेंगे, इसे इस तरह रखेंगे,
और यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगा कर इसे जोड़ लेंगे। दूसरा पीस लेंगे, इसे भी इस तरह रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे भी जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर हमने इसे जोड़ लिया है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर हमने इसे जोड़ लिया है। अब इसे इस तरह करेंगे, इस तरह से। अब इसे लेंगे, इस तरह रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे जोड़ लेंगे। फिर इसे पकड़ेंगे इस तरह से और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे भी जोड़ लेंगे। दोनों तरह हम सीधी सिलाई लगा कर जोड़ लेंगे। देखिए इसमें भी हमने सिलाई लगा कर जोड़ दिया इसे। देखिए अब इसे एक साइड रखेंगे। अब इस तरह से हमने कपड़े का पीस लिया है। लेंथ है इसकी 11 इंच, विड्थ है इसकी 1.5 इंच। अब इसे लेंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगा कर इसे जोड़ लेंगे। देखिए हमने इसे सीधी सिलाई लगा कर जोड़ दिया है। अब इसे इस तरह पलटेंगे, इस तरह से, और इस तरह पलटते हुए देखिए नीचे तक सिलाई लगा कर पाइपिंग बना लेंगे। पूरी सिलाई को इस तरह से पट्टी से कवर कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर पट्टी से सिलाई को कवर कर दिया है। इसी तरह हम बाकी की सिलाइयों को भी कवर कर लेंगे। देखिए सभी सिलाइयों को हमने कपड़े की पट्टी से कवर कर लिया है। ये देखिए इस तरह से, इससे बैग में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है और सिलाई भी काफ़ी मजबूत हो जाती है इसकी। अब देखिए इसे हम इस तरह से इन दोनों को पकड़ेंगे। देखिए बिल्कुल सेंटर है, इस तरह मोड़ लेंगे इसे, इस तरह से। यहाँ से भी इसे बिल्कुल सेंटर से इस तरह फोल्ड कर लेंगे। देखिए इसे इस तरह सेंटर से फोल्ड कर लेंगे इस तरह। अब यहाँ से यहाँ तक एक सीधी सिलाई लगा कर इसे जोड़ लेंगे। देखिए इसमें हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब देखिए कपड़े की पट्टी से इस सिलाई को भी कवर कर लेंगे। देखिए इस सिलाई को भी हमने कपड़े की पट्टी से कवर कर लिया है। अब इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे सीधा कर लिया है, ये देखिए। अब देखिए इसे हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे एक कट लगाएंगे। अब इसी तरह इसे भी सेंटर से फोल्ड करेंगे ऐसे। इसमें भी एक कट लगाएंगे। अब इसे यहाँ से हम इस तरह नापेंगे, यह है 12 इंच। अब देखिए इसी साइज की एक मैंने चैन ले ली है। अब चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ करेंगे, इस कट में बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। देखिए चैन का सेंटर इस कट में आना चाहिए इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे जोड़ लेंगे। दूसरा सिरा हम इस तरह रखेंगे इस कट पे और एक सिलाई लगा कर इसे भी जोड़ लेंगे। देखिए चैन का एक सिरा हमने इस तरफ जोड़ दिया और एक सिरा हमने इस तरफ जोड़ दिया है। अब देखिए चैन को इस तरह पलटेंगे और इस तरह घुमाते हुए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर चैन को जोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर चैन को जोड़ देंगे। देखिए चैन को हमने इस तरह से यहाँ तक सिलाई करके जोड़ दिया है। अब चैन को इस तरह पलटेंगे, चैन खोल लेंगे इस तरह से। अब इसे इस तरह पलटेंगे, इस तरफ, इस तरह से। अब देखिए चैन को इस तरह रखेंगे, सिलाई लगाते जाएंगे और इस तरह यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे भी जोड़ लेंगे। पूरी गुलाई में यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे जोड़ लेंगे। देखिए चैन को हमने यहाँ से यहाँ तक गुलाई में इस तरह जोड़ दिया है। अब देखिए इस कपड़े को इस तरह नीचे की तरफ करते हुए इस तरह से, इस तरह करते हुए पूरी गुलाई में किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे पूरी गुलाई में इस तरह कपड़े को नीचे की तरफ करते हुए। देखिए इस कपड़े को नीचे की तरफ करते हुए हमने पूरे गुलाई में किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। इस तरह हमारा बैग बिल्कुल रेडी है। ये देखिए एक पॉकेट, ये देखिए एक पॉकेट, ये देखिए दूसरी पॉकेट, ये देखिए, देखिए इस तरह हमारा क्यूट सा बैग बिल्कुल रेडी है।